हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को गया आर्मी बॉय 2.0 में आपका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आशा और विश्वास के साथ सोच रहे हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि गया आरओ का दौड़ स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखिए, अगर भारत माँ के आप सच्चे वीर हैं और भारत माँ को सेवा करना चाहते हैं, देश को रक्षा करना चाहते हैं, तो आप इस दौड़ को देखिए और आने वाला समय में भी आपको दौड़ना होगा इस ग्राउंड में। तो गया आरओ का क्या रहा दौड़ लास्ट तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। तो देखिए किस तरह से अग्निवीर का दौड़ चल रही है। तो देखिए, आपको वीडियो में बहुत काफ़ी दूर से बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इससे सीख लीजिए। बहुत ही अच्छा ग्राउंड है वहाँ का, और हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ का ग्राउंड के बारे में पूरा तरह से बर्नर दिखाया गया है। तो आप देखिए कि हर कहने का मतलब है कि जिस तरह से पहले दौड़ होती थी अग्निवीर का, या क्यों कहें आर्मी का, तो अब तो उसका नाम चेंज हो गया, अग्निवीर कर दिया गया हमारे केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन अब क्या होता है कि पहले रिटेन लिया जाता है, तो रिटेन में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उन्हीं का दौड़ होता है। और दौड़ होता है तो 100 बच्चे का बैच लगता है, जिसमें से मान लिया जाए तो कि आपकी 70% यानी कहें कि 70 स्टूडेंट आपको वहाँ लिया जा रहा है। तो आप भी अगर भारत माँ को सेवा करना चाहते हैं तो अभी से जी जान लग जाइए। अगर आपको आने दौड़ने वाले हैं इस ग्राउंड में, अगर आपका रिजल्ट हुआ है अग्निवीर में, तो आप क्लर्क हैं, टेक्निकल हैं, किसी भी ग्रुप में आपका रिजल्ट हुआ है, तो आप एक बार जाकर ग्राउंड में किसी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो यहाँ आराम से निकाल लीजिएगा। तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, देखिए हमारे भाई कितना अच्छा से रनिंग कर रहे हैं, और इनको स्टेप को देखते रहिए, और बहुत ही अच्छा यूँ कहें तो देखिए हमारे जो इसमें कहें तो एक्सीलेंट बच्चे का कम से कम पहला बैच इससे जो दौड़ हुई थी उसमें कम से कम तो कहें कि 30 से 40 बच्चे एक्सीलेंट में लिया जा रहा है, जो कि आर्मी की रैली में इस तरह का नहीं होता था पहले। लेकिन इस बार रिटेन के चलते कहें कि यूँ कि पढ़ने वाले ही बच्चे आते हैं, पहले रहता कि जिनका रिटेन नहीं रहता तो दौड़ने वाले भी बच्चे आ जाते थे, जिसके कारण एक्सीलेंट बच्चों काफ़ी कम पहुंच पाते थे। लेकिन हमारे गया आरओ के द्वारा, ऑफिसर द्वारा, यूँ कहें तो केंद्र सरकार द्वारा लगता है दिशा निर्देश दिया गया है कि काफ़ी बच्चों को सिलेक्शन करना है। तो भी आपको ये भी बता दें कि ये अग्निवीर है जो आप अगर भर्ती होते तो 4 साल तक अपने भारत माता को सेवा कर सकेंगे। अगर आपका वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आप कहें कि जितना दिन आप कहें कि यूँ कि 30-40 तक जो भी मैंने कि भारत सरकार द्वारा एक रिक्वायरमेंट होता है, कितना साल में आप रिटायर कीजिए, जब तक आप भारत माँ के एक सैनिक शेर की तरह आप दहाड़ते रहेंगे। तो आपको बता दें कि ये दौड़ स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा दौड़ ले लिया जा रहा है। तो गया आरओ का दौड़ यहाँ पर गया आरओ में कहें तो जहानाबाद, कटिहार, गया के बच्चे यहाँ पर दौड़ रहे हैं। तो देखिए हमारे YouTube चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में देखिए, बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी फिजिकल की, जो कि यूँ कहें तो बिहार पुलिस, दरोगा, किस तरह से दौड़ लिया जाता है, सभी चीज़ की मिलेगी। तो गया आरओ में को आकर देखिए, अगर एक बार ग्राउंड आकर देख लीजिएगा तो आपका मन खुश हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा तरह से यहाँ पर दौड़ लिया जा रहा है। तो और आप लोग को ये बात बता दें कि अगर आप खाली पैर यहाँ पर रनिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका रनिंग होगा और टाइम भी कटेगी। तो अगर जूता पहनकर दौड़ते हैं तो काफ़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही चिकनी मिट्टी की तरह हल्का बालुई रेत है। तो आप अगर दौड़ते हैं किसी प्रकार का गंगरेट यहाँ पर नहीं कि आपको दिक्कत होगी, जूता खोल के ही दौड़ें और बहुत ही अच्छा। और रनिंग करने से पहले आप वार्म अप थोड़ा कर लें, और गिरिएगा यहाँ पर, गिरते हैं तो फिर उठकर दौड़िए, क्योंकि यहाँ पर 5:45 तक बच्चों को लिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार जो रनिंग लिया जा रहा है काफ़ी अच्छा लिया जाएगा, आपको एक टीवी की तरह बोर्ड लगा दिया गया है, उसमें टाइम को चालू कर दिया जाता है, जिस समय आप रनिंग स्टार्ट कीजिए उस समय टाइम को चालू कर दिया जाता है, और 5:45 तक आपको आखिरी मौका दिया जाता है। तो आप सोच लीजिए कि अगर 5:45 तक भी नहीं आते हैं तो आपका दौड़ अच्छा नहीं है, और एक अच्छे शेर की तरह आपको दौड़ना है। आप अगर भारत माँ को सेवा करना चाहते हैं तो आपको दौड़ना होगा, और सोच लीजिए कि हम एक अच्छे, और ऐसे भी बोला जाता है सैनिक बच्चे सबसे अच्छे। और जिन भाइयों को मन में क्लू चल रहा है कि नहीं हमको अगर अग्निवीर में हो जाता है और 4 साल के बाद हमारे घर भेज दिया जाएगा, तो यह गलत है। आपको बता दिया जाएगा, हाल ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बोला गया कि ये परमानेंट भी हो सकती है, और रक्षा मंत्री ने बोला है कि राजनाथ सिंह द्वारा आश्वासन दिया गया कि कुछ समय के बाद यह 50% कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि आप ये क्लू में मत रहिए कि हमारे 4 साल के बाद हम घर चलाएंगे, और ऐसा बात कुछ नहीं है। आप पहले अति फिजिकल क्वालिफाई कीजिए, और जो बच्चे सोच रहे थे कि 4 साल का है उसके भ्रम में मत पालिए,
और अपने अभी इस दिन रनिंग करते हैं 2-3 दिन में, तो आपका रनिंग पहले करते होंगे तो आपका 5:45 अगर टाइम आता है तो आप भी यहां अगर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आर्मी के जैसा पिछले आर्मी जैसा दौड़ लेता था वैसा दौड़ नहीं है कि नहीं 5 मिनट में जाएंगे तभी हम क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इस बार 5:45 तक आपको टाइम दिया जा रहा है, तो आप क्वालिफाई करिए और भारत माँ के एक सच्चे सपूत एवं वीर बनिए और भारत माँ को रक्षा कीजिए। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले बच्चे को इस वीडियो से सीख मिले। और हमारे YouTube चैनल को जाकर प्ले लिस्ट में किसी भी जानकारी अगर फिजिकल से लेनी है तो वहाँ पर ले सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि किसी भी प्रकार की आपको जानकारी लेना हो तो हमारे YouTube चैनल आपको दम मैंने कहें कि मतलब YouTube पर डलाता है और आपको मिल जाएगी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।